अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खंडवियों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको खंडवियाँ भी कहते हैं, खंडलियाँ, और ढोकले भी कहा जाता है। बहुत ही मज़े की बनती हैं, तो चले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बेसन है, यहाँ मैंने प्याज ली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसमें दही जाएगा। तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाले मैं डालती रहूँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमने बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्याली दही है, एक इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून जो है हल्दी डालनी है, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये देखें 1 चुटकी बराबर इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है, चॉप हरा धनिया आपने डालना है इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें चॉप धनिया डालना है। यहाँ पे आपने ये 2 टेबल स्पून चॉप करी हुई मेरे पास अनियन है वो इसके अंदर डाल देंगे हम सारी। यहाँ पे ये चॉप ग्रीन चिली है तो इसको हम डाल देंगे, 1 1/2 टीस्पून जाएगी ये। और इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और जाएगा यहाँ पे, ये 1 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है, ये इसके अंदर चला गया। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती हैं। जब आपके घर में गोश्त वगैरह ना हो, सब्जियां ना हो, तो आप बेसन निकालें और ये बनाएं। आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि वो दही के कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने ये दही के लम्स इसके ख़त्म करने, और इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करूँगी मैं। इसमें 1/2 कप पानी और डालेगा, ये देखें तकरीबन 1.5 कप पानी इसके अंदर चला गया है। अब इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब आपने इसमें ये बेसन डाल दिया, 1 कप बेसन भर के लेंगे छान के। बेसन और मैदा जो है वो छान के आप इस्तेमाल किया करें। ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, इसको आपने बस 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे, इससे ज़रा सा आपके कलर बहुत अच्छा आएगा। चलें अब हम इसको पकाते हैं। इसको फ्राई पैन में हमने इसको पकाना है और एक डो सी तैयार करनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको पकाना है। इसको हमने जब तक पकाना है कि हमारी इसकी हमने डो बनानी है बेसन की, और ये आपने हल्की आंच पे इसको करना है, ध्यान रखना है कि ये लग ना जाए, और इसको आपने इस तरीके से चलाते रहना। तेल हमने इसके अंदर घी जो है वो डाल दिया था पहले ही, इसीलिए डाला था कि ये चिपके ना, पैन को छोड़ने लगेगा और ये एक जान हो जाएगा और डो जो है वो आटे की तरह हो जाएगी बस, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसमें ज़रा सा टाइम लगता है, आपने इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, बस इसका ये काम आपने ध्यान से करना है। अच्छा देखें, आपने इस तरीके से चलाना है और इसको ऐसे ही दबा दबा के करना है, इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने देनी है आपने, और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूस चलाते रहना है। बस इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। आपने यहाँ पर घी से ग्रीस करना है, बस ये हमने ग्रीस कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना ये खंडवियों का बैटर यहाँ निकाल देंगे और इसको चमचे की मदद से हम ऐसे इसको प्रेस करेंगे। ध्यान से करिएगा, गरम है बहुत। इस तरीके से आपने इसको करना है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा
हम 5 मिनट बाद इसको कटिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारा ये ठंडी हो चुका है बेसन, अब हम इसको कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करने से पहले आपने छुरी पे ऑयल लगा लेना है, ऑयल या घी जो भी आप चाहें, और इसको इस तरीके से आपने बस कट करना। घी लगाने से ये क्या ये होगा कि आपका ये आराम से कटिंग हो जाएगी, बेसन चिपकेगा नहीं। कोई भी आप इसको शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। देखें ये हमने कट कर लिए, इस तरीके से ये कट कर लिए। आप इसको चकोर करना चाहें तो चकोर भी कट कर सकते हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। चलें अब हमारा ऑयल जो है वो प्री हीट हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसको शैलो फ्राई करना है। चलें अब हम इसको पलट लेते हैं और इस साइड से भी हल्का सा गोल्डन कलर दे देते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा सा। सबको इसी तरीके से पलट लें। ये देखें आप इसमें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इसमें। अच्छा इसमें ये होता है कि अगर आपने ये इस तरीके से करा है तो आप जब ये ग्रेवी में जाएंगी ना तो ये टूटेंगी नहीं। ये ज़रा सी फ्राई करने से तो बहुत अच्छा सा आपका क्रस्ट आएगा, क्रिस्पी सी हो जाएंगी और ये टूटेंगी भी नहीं। इस तरीके से ये देखें, देखें बस इसी तरीके से हम अपनी और वो वाली भी कर लेंगे सारी। इनको निकालेंगे, दूसरा राउंड डालेंगे और ये हमारा फ्राई का सिलसिला इधर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका इसकी ग्रेवी बनानी है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, ये इसके अंदर चला गया। तेल पहले आप गरम होने दें। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है, यहाँ मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने ये अपनी चॉप करी हुई अनियन शामिल कर दी। इसको आपने अच्छा सा इसको भी आपने कलर देना है। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जो है यहाँ पे भर के मैंने ये ज़ीरा लिया है वो चला गया इसके अंदर। ये देखिए मेरे पास ये साबुत लाल मिर्च है 3, तो मैं इस तरीके से इसको मसल के ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें चाहेगा 1 चम्मच भर के खाने का किसी भी लाल मिर्च, ये 1/2 चाय की चम्मची इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, नमक हसबे जायका आप डालिएगा जितना आप लोग खाते हैं। ये हो चुका है, इसके अंदर हमारे सारे मसाले चले गए हैं। इसमें मैंने 1 मसाला और ऐड करना है, पिसा हुआ धनिया डालूँगी मैं इसके अंदर। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया इसके अंदर डाला है। यहाँ पे 1/2 चाय के चम्मची के करीब आपने कलौंजी डालनी है इसके अंदर। बस आपने इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। यहाँ पे ये 2 इलायचियाँ हैं, इसको मैंने कूट लिया था ज़रा सा और इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने, उसको इस तरीके से आपने पेस्ट बना के डालना है। देखें हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, ये देखें ऑयल आ रहा है ना साइडों में, इसका मतलब भाई हमने बहुत अच्छा सा अपना मसाले को भून लिया है। हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो रखना है और फिर इसके अंदर हम ये अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खंडवियाँ खंडलियाँ ढोकले जो भी आप कहते हैं अपनी ज़बान में, वो हमने इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। कितनी मज़ेदार लग रही है ये, बेहतरीन। अब आपने ना इसको चमचा नहीं चलाना, आपने इसको इस तरीके से हल्के से ऐसे करके हिलाना है और इसमें हमने पानी छोड़ देना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैंने 1/2 कप के करीब पानी लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ
और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखें हमारे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कितना अच्छा सा हमारे ये कलर आया है खाने का, देख के ही दिल चाह रहा है कि खाएं। तो चलें अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, अब ये तैयार है और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी अब हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी ये हरी मिर्ची डालेंगे हम। जी जनाब कितने मज़े की हमारी ये डिश बनकर तैयार हुई है, इसको अब हम ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें टूटने में इंतहाई सॉफ्ट, सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, सो डिलीशियस। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।